सब्सक्राइब कीजिए आदि उपाध्याय को और बेल आइकन का बटन दबाइए लेटेस्ट वीडियो के लिए। हेलो फ्रेंड, दिस इज आदि उपाध्याय। टुडे आई एम हियर एट प्रयागराज। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ के महाकुंभ, दिव्य कुंभ जो है प्रयागराज में लगा हुआ, इसके खूबसूरत नज़ारे। वीडियो को आगे देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो लोग जो व्यूअर्स मेरे पहले से ही हैं वो लोग जल्दी से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भेजिए और दिखाइए इस आस्था का जो सैलाब है प्रयागराज में उमड़ा हुआ है, ये अपने पूरे दोस्तों को दिखाइए। मैं आपको पूरी गलियां दिखाता हूँ यहाँ। प्रयागराज रेलवे स्टेशन से निकलकर मैं यहाँ तक ऑटो में आया, और यहाँ से अब मुझे 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है संगम में जाने के लिए। संगम जो त्रिवेणी संगम है, इंडिया में एकमात्र त्रिवेणी संगम जहाँ पे 3 नदियों का आपस में मिलन होता है, गंगा, जमुना और सरस्वती। वहाँ पे पवित्र स्नान लेने के बाद मैं आपको और भी खूबसूरत नज़ारा दिखाऊंगा, लेकिन वहाँ की ओर चलते रहते हैं हम लोग, देखते हैं रास्ते में हमको क्या क्या नज़ारे देखने को मिलते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है योगी सरकार ने, इसमें बहुत साफ़ सफाई है और सेफ्टी भी पूरी लग रही है मेरे को। बहुत ज़्यादा आर्मी लगी हुई है यहाँ पे। मेरे साथ साथ बहुत सारे श्रद्धालु भी संगम की ओर जा रहे हैं इस पवित्र स्नान में डुबकी लगाने के लिए। कुंभ मेला अपने आप में एक बहुत बड़ा मेला है इंडिया में, 4 जगहों पे लगता है। इस कुंभ की एक खासियत यह है कि ये अर्ध कुंभ है, लेकिन इसे कुंभ का नाम ही दिया गया है, और बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। देखिए त्रिवेणी माँ को ये रास्ता जा रहा है, आप सामने देखिए, और सेक्टरों में बांटा गया है इसको। सामने देखिए आप, ये पोस्टर लगा हुआ है अक्षयवट मंच 1 सेक्टर 4, ऐसे करके सब सेक्टरों में बांटा हुआ है पूरे। इन्होंने उसको बहुत फैला हुआ है, इलाहाबाद में जो कुंभ है वो काफ़ी फैला हुआ कुंभ है। आप जितना देख रहे हैं इसके 5-6 गुना और ज़्यादा है। ये देखिए, ये नाव घाट का मार्ग है, जगदीश रैंप है, सब जगह कुछ ना कुछ बताया गया है, पूरे नोटिफिकेशन पूरे के पूरे लिखे हुए हैं पूरे रास्ते पर। पहुंच चुके हैं हम संगम तट पे, यहाँ से मुझे नाव में संगम तक जाना पड़ेगा। नाव का जो फेयर है वो 120 रुपये पर पर्सन है। चलिए संगम की ओर ले चलता हूँ मैं आपको। सामने देखिए बहुत सारी नौकाएं भी संगम की ओर जा रही हैं मेरे साथ साथ, और ये पक्षी बहुत काफ़ी खूबसूरत पक्षी हैं, कबूतर टाइप के दिखते हैं, लेकिन सीगल बोलते हैं इनको, मेल फीमेल दोनों हैं यहाँ पे। थोड़ा मैं पक्षियों के बारे में काफ़ी जानता हूँ, तो मैं आपको उसके लिए बता रहा हूँ। इनके लिए चारा डाल के परोपकार मिलता है, लोग बताते हैं। मैं इनका एक अभी स्लो मोशन वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। शुरुआत में आपने देखा होगा एक वीडियो मेरा इसमें बना हुआ, वो मेरे हाथ से दाना चुग के लेके गया था। ये पूरी हमारी नाव जा रही है, ये देखिए पूरा आस्था का सैलाब चारों ओर फैला हुआ है। बहुत सारे लोग उस तट की ओर हैं, और बहुत सारी नौकाएँ जा रही हैं संगम की ओर। संगम करीब 2 किलोमीटर दूर होगा इस तट से, वहाँ तक हमको नाव लेके जाएगी। देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है प्रयागराज, हिंदू संस्कृति में डूबा हुआ पूरा। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत मोदी सरकार ने गंगा माँ का पानी बहुत साफ़ कर दिया, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा साफ़ पानी है, और बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई इस प्रयागराज में भी स्वच्छता अभियान का बहुत खासा ध्यान रखा गया है। मुझे काफ़ी खुशी मिली कि मतलब मैं पहली बार किसी कुंभ मेले में आया हूँ, कह रहे अर्ध कुंभ मेला है, लेकिन बहुत ज़्यादा आस्था यहाँ पर दिखी मेरे को। हिंदू संस्कृति के चारों ओर से इंडिया के लोग यहाँ आए हुए हैं, और काफ़ी विदेशी सैलानी भी यहाँ पर आए हुए हैं इस आस्था के सैलाब में के दर्शन करने के लिए। बहुत सारी जगहों पे मैं ये देखा कि हर जगह पे खोया पाया जो होता है, कोई भी कोई भटक जाता है अपने परिजनों से, उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है हर जगह पे। पुलिस सबकी मदद कर रही है, और विभाग भी बहुत सही ढंग से मदद कर रहा है। पहुंच गए हम संगम की संगम में, यहाँ पर मैं भी स्नान करूँगा। आप देखिए संगम में पूरा स्नान करने के बाद आपको अगला वीडियो दिखाता हूँ इसी के आगे। ये जो लाइन है अक्षयवट के लगी हुई है, 40 साल बाद खुला है वो।
अब मैं आपको ले चल रहा हूँ हनुमान जी के टेंपल पे। इसी संगम तट के नीचे लेटे हुए हनुमान जी का टेंपल है, मैं वहाँ की ओर लेके आपको जा रहा हूँ। देखिए सामने हनुमान टेंपल है, काफ़ी श्रद्धालु यहाँ भी, बहुत श्रद्धालु आए हैं, काफ़ी भीड़ है, बहुत लंबी लाइन लगने के बाद यहाँ पर नंबर आ रहा है। हनुमान मंदिर के थोड़ा ठीक ऊपर एक शंकराचार्य जी का मंदिर है, मैं व्यू वहाँ से दिखा रहा हूँ आपको। ये पूरा का पूरा देखिए आप कुंभ मेले का नज़ारा है, चारों ओर टेंट लगे हुए हैं लोगों के रहने के लिए, बहुत सारे बाबा लोग भी आए हुए हैं बाहर बाहर से। जितना आप मेरे सामने देख रहे हैं इसका तिगुना है, ये सामने जो ब्रिज है ब्रिज के उधर तिगुना ज़्यादा संख्या और है। चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आप मेरे नए वीडियो देखते रहें। थैंक यू।